हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप टॉक। गाइस, विंटर्स में बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन को इन्हेंस करने के लिए, अपने हेयर के लिए और बहुत सारे अपने फ़ायदे लेने के लिए। उसमें से ही एक ऑयल आता है आपका ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के फ़ायदे बहुत सारे हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऑलिव ऑयल खाने के लिए तो एक अच्छा ऑयल होता है, बट उसके अलावा जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसके लिए भी ऑलिव ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप इसको सही तरीके से और सही प्रोसीजर से यूज़ करते हैं तो आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन विंटर्स में फिनिश होने वाली हैं। तो आज मैं आपको ऑलिव ऑयल के कुछ बेनिफिट्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ऑलिव ऑयल को किस तरीके से यूज़ करना है वेट लॉस के लिए, क्योंकि जो वेट लॉस जो हमारा मेन मुद्दा होता है काफ़ी बड़ा होता है, इस पर लोग बात करना या फिर बोल देते ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बट वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली ऑलिव ऑयल से कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे पहली हमारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मूवी मैं बाला की बात कर रही हूँ, उसमें भी यही दिखाते हैं कि मतलब जो मैन है उसको बालनेस की प्रॉब्लम है ऐसा कुछ। तो ये जो प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करते हैं कि सिर्फ फीमेल में होती है कि हेयर ग्रो नहीं हो रहा तो वो परेशान हो रही है, बट आज के टाइम पे जिस टाइम का टाइम आ गया यूथ हो रहे हैं उनको हेयर से बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। तो ऑलिव ऑयल जो है वो आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। और अगर आप ये सोचें कि वहाँ पे बाल जा चुके हैं, बिल्कुल कुछ बोलते नहीं सपाट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जो उसका सरफेस है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, तो वहाँ पे अगर हेयर नहीं आने हैं तो वो ये ऑयल के आप कुछ भी कर लें नहीं करेगा। बट अगर आपको दिख रहा है कि आपके पोर्स हैं वहाँ पे हेयर आने हैं तभी आप में ये यूज़ करेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते भी सुना है कि ये चीज़ हमारे ऊपर वर्क नहीं किया, तो उनके लिए सिर्फ मैं एक ही बोलना चाहूँगी, डियर अगर आप सही प्रोसीजर यूज़ करते किसी चीज़ को करने का तो चीज़ जो है ज़रूर फ़ायदेमंद होंगी, काम करेंगी, बट आप बेशर्ते उसको सही प्रोसीजर से यूज़ करें। और जो दूसरी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है विंटर्स में वो है डैंड्रफ की। डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी मेल एंड फीमेल दोनों में देखने को हमें मिलती है। तो आपने करना क्या, नॉर्मल ऑलिव ऑयल से आपने थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है और मसाज करनी है। लेमन अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तब भी ये आपकी जो डैंड्रफ है डैंड्रफ को काफ़ी हद तक कम करेगा। विंटर्स में अगर आपको बच्चों की मालिश करनी होती है तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसको गर्म करके ही यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए अच्छा होता है कि उससे हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं। बट ऑलिव ऑयल ने ये चीज़ प्रूफ करके दिखाई है कि अगर आप छोटे बच्चों की मालिश इस ऑयल से करते हैं तो उनकी बोन्स जो होती हैं नॉर्मल जो ऑयल आप यूज़ करते हैं उससे 2 से 3 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों की बोन्स आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो उसके लिए आप मसाज के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मसाज के लिए ये एक बच्चों की बात हो गई है, अगर आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है जस्ट लाइक कमर में आपको दर्द हो रहा है या फिर आपके कोई ज्वाइंट्स हो गए हैं, जो हम मतलब बूढ़े हो जाते हैं उनको ज्वाइंट्स पेन रहता है, उसके लिए भी ऑलिव ऑयल काफ़ी ज़्यादा मददगार रहता है। तो अगर आपको इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब मैं बात करने जा रही हूँ स्ट्रेच मार्क्स की। स्ट्रेच मार्क्स हर किसी को होते ही हैं, कुछ लोगों को बिफोर प्रेगनेंसी ही हो जाते हैं, लाइक हार्मोन जो होते हैं जिनके हार्मोन बहुत ज़्यादा, कुछ मैंने कहते हुए सुना किसी को कुछ चीज़ फूटती है जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, और जो नॉर्मल लेडीज़ हैं उनको तो आफ्टर प्रेगनेंसी होते ही हैं। तो आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी जो आप नॉर्मल मेडिकेटेड क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसको ना यूज़ करके, क्योंकि उसमें थोड़ा सा केमिकल होता है, हो सकता है कि वो आपकी स्किन के लिए थोड़े टाइम के लिए वो स्ट्रेच मार्क्स रिमूव करे, बट बाद में आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, पैची हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखने को ऐसा सुना है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो एक तो आप में मॉइस्चराइज़र बना रहेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात रहती है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लॉक करके रखता है ये ऑलिव ऑयल। तो आपने स्ट्रेच मार्क्स पे नॉर्मली यूज़ करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने प्रेगनेंसी के 4th या 5th मंथ से ही इसको यूज़ करना शुरू कर देना डेली। नॉर्मल आपने थोड़ा सा लेना है क्वांटिटी में ऑलिव ऑयल, जैसे कि आप कोई भी बॉडी लोशन लेते हैं और जो भी आपका स्ट्रेच मार्क्स बेली एरिया है उस पर अच्छे से अप्लाई करना है आपने ऑलिव ऑयल। दिन में आप 2 बार भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 बार तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके स्ट्रेच मार्क्स के लिए।
स्किन पे प्रॉब्लम जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। कभी पिंपल्स आ गए, कभी पिगमेंटेशन, कभी ब्लेमिशेस, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें डेली ना डेली दिन ब दिन हमें देखने को मिल ही जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। उसके लिए भी ऑलिव ऑयल काफ़ी अच्छा है। आपने करना क्या है, रात में सोने से पहले 2-3 ड्रॉप्स जो हैं ऑलिव ऑयल की लेनी है। चाहे तो आप इसमें ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप ग्लिसरीन ऐड नहीं करना चाहते तो आप खाली जो ऑलिव ऑयल है उसको आप ऑल ओवर अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, पिंपल्स हो रहे हैं, ब्लेमिशेस हो रहे हैं, पिगमेंटेशन है आपके पे, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ये वाला जो एरिया होता है उनके यहाँ पर फ्रिकल्स भी आ जाते हैं और जो झाइयाँ जो मैंने सुना है ब्लेमिशेस जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम दवाई जब तक लेते हैं तब तक वो जा रही है और नहीं, उसके बाद वो चीज़ असर करना छोड़ देती है और हमारे फिर से निकल आते हैं। अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ करते हैं 3-5 मंथ तक, तो आपकी झाइयाँ चली जाएंगी, आपका जो कलर है वो थोड़ा सा इन्हेंस होगा, थोड़ा सा वाइट होगा, और जो आपके ब्लेमिशेस हैं झाइयाँ वो भी हट जाएंगी और दोबारा वो नहीं आएंगी, अगर आप ये 3-5 मंथ रेगुलरली करते हैं इस चीज़ को। यार मेरी ये जो ब्लैक है ये मेरे जा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल कर सकती हूँ। और बहुत ये एरिया हो गया या नोज़ अराउंड एरिया हो गया, बहुत से लोगों का काफ़ी डार्क होता है, एकदम ब्लैक ब्लैक सा लगने लगता है, ऑल ओवर फेस तो उनका ठीक है बट ये जो एरिया होता है और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क रहता है, उसके लिए उनको प्रॉब्लम समझ नहीं आती है कि वो सोल्यूशन लाएँ कहाँ से। तो आपको करना क्या है, आपने लेना है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, उसमें मिक्स करना है लेमन जूस, और आपने जो भी आपका अफेक्टेड एरिया वहाँ पे अप्लाई करना है, नाइट में अप्लाई करना है, और आपने सुबह नॉर्मल वाटर से उसको वॉश कर लेना है। कुछ ही टाइम के रेगुलर यूज़ से आप देखेंगे कि आपके ब्लैक स्पॉट जो है वो कम होने लगेंगे और यहाँ पे आपको एक ग्लो नज़र आने लगेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेट लॉस, जिसकी बात जो मैंने स्टार्टिंग में भी की थी, कैसे आप ऑलिव ऑयल को वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने लेना है 1 स्पून और उसमें ऐड करना है ऑलिव ऑयल, और आपने इस ऑलिव ऑयल को रॉ, मतलब उसको पकाना नहीं है, गरम नहीं करना है, आपने सुबह सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लेना है। और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं बिना, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं आप ऑलिव ऑयल में बना हुआ खाना ही खाएं तभी वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ रॉ ऑलिव ऑयल लें और कुछ ही महीनों तक आप देखेंगे, अगर आप इसको यूज़ करते लाइक 3 मंथ तक, क्योंकि कोई भी डिया चैलेंज होता है या फिर कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 3 मंथ उस चीज़ को देने ही चाहिए, तभी आपको एक सोल्यूशन मिल पाएगा, उसका जो रिज़ल्ट है वो मिल पाएगा। तो अगर आप 3 मंथ तक इसको लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपका वेट लॉस अगर आप जितना चाहते हैं उतना एग्जैक्टली नहीं बोल सकती कि अगर आप सोचें कि मेरा 100 है 50 हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बट काफ़ी हद तक ये वेट लॉस करता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस हो तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो में मैंने ऑलिव ऑयल के कुछ ही बेनिफिट्स बताए हैं, वैसे तो ऑलिव ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट इतने सारे अगर बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो गिने चुने इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे वही बताए हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टिप टॉप कोमल। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, टिल देन बाय।